सांसद पप्पू यादव शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सवाल पर पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने लॉरेंस से जुड़े सवाल करने से पत्रकारों को रोक दिया। अब इसे लेकर उन्होंने सफाई दी है। पप्पू यादव ने कहा कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मीडिया चुप है। ऐसे में मैं लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा करता। बता दें कि पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़े ही तल्ख लहजों में लिखा है कि आ रहा हूँ मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। उन्होंने लिखा है कि देखिए, मैं किसी ट्रॉलर्स को जवाब नहीं देता, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूँ। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात ना कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूँ मुंबई, सबको औकात बताएंगे। बता दें कि मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का सफाया करने का ऐलान करने वाले पप्पू यादव के सुर 6 दिन में बदल गए हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सवाल करने से मना कर दिया था, फिर भी किसी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछ दिया। उसके बाद पप्पू यादव का जवाब था, नहीं ये सब बात मत पूछिए, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि ये सब बात नहीं पूछेंगे, मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई सवाल नहीं पूछिएगा। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कोड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मुखदर्शक बने हुए हैं, कभी मूसे वाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। उन्होंने आगे लिखा कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।